out again. It's a redstone. तो वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं कुशल अतिथि, इस एप प्रोग्राम में स्वागत है आप सभी का। फिर से लेकर आ गया हूं आपके लिए अपॉर्चुनिटीज फटाफट का एक और वीडियो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो चलिए चलिए शुरू करते हैं। सारी अपॉर्चुनिटीज एक एक करके बता दूंगा। अब यार वीडियो पूरा देख लेना, क्योंकि इससे फायदा क्या होगा, तुम उसी लिंक पर जाओगे जो तुम्हारे लिए यूजफुल है, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करोगे, ठीक है। तो छोटा सा वीडियो है, फटाफट से देख लो। चलिए शुरू करते हैं दूरबीन लगा के। तो ये पहली कंपनी है हमारी जेपीएमसी। इनका प्रोग्राम होता है कोड फॉर गुड। इसके अंदर अगर मैं एलिजिबिलिटी बैच की बात करूँ तो वो है 2022 और 2023, जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। कहाँ दे रखा है, या 2022 और 2023 ग्रेजुएट्स इसमें अलाउड हैं। उसके अलावा बीई, बीटेक, एमसीए, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी और इलेक्ट्रिकल रिलेटेड ब्रांचेस के बच्चे इसमें अलाउड है। 7 CGPA आपकी एग्रीगेट होनी ही चाहिए, और इसके बेसिस पे ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज देते हैं, फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज देते हैं स्टूडेंट्स को। बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है, तो जाकर इसमें जल्दी से अप्लाई कर देना। और थोड़े से और रूल्स भी हैं, वो पढ़ लेना कि आईटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की आपको नॉलेज होनी चाहिए, लाइक पाइथन, जावा, C++, ठीक है। ये छोटा सा इनका, बाकी इंग्लिश में फ्लुएंट होने चाहिए हो, तो ये मामूली सी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ये देख लेना, इसमें अप्लाई जरूर कर देना। चलते हैं दूसरी अपॉर्चुनिटी की तरफ। ये है स्टैंडर्ड चार्टर्ड की, एक हैकाथॉन टाइप कुछ हो रही है जिसके अंदर, बट एक प्रॉब्लम है, ये सिर्फ डायवर्सिटी के लिए है, तो इसलिए बोलता हूँ पूरा वीडियो देख लिया करो ताकि तुम उसी लिंक पे जाओ, ठीक है। डायवर्सिटी हायरिंग है इसमें, और जो बैचेस अलाउड है वो है 2021 और 2020 ओनली। और ब्रांचेस दे रखे CSE, IT, EC, EEE और EEE, यही ब्रांचेस अलाउड है। 7 और अबव CGPA होनी चाहिए। जो इनका इंटर्नशिप स्टाइपेंड, और सॉरी इंटर्नशिप स्टाइपेंड नहीं, CTC ने 6.1 LPA दे रखा है, जाके अप्लाई कर देना। फीमेल टेकीज के लिए अपॉर्चुनिटी है, और 2020 और 2021 अलाउड है, इसका मतलब ये फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज देंगे, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज का कोई खेल नहीं है। चलते हैं अगली अपॉर्चुनिटी पे, जो कि MAQ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन जो कंपनी है उसकी अपॉर्चुनिटी है, और इसका जो रेंज है पैकेज का वो है 6 लाख टू 9 लाख। और जो फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है 2020 और 2021, ये बैचेस होना अलाउड है, तो फटाफट जाके अप्लाई कर देना। हैदराबाद और मुंबई लोकेशन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पोजिशन है, तो जल्दी से आके अप्लाई कर देना। और अब चलते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पे, जो कि है मैथवर्क्स में। अगर आपने इस कंपनी का नाम शायद आपने यूज़ तो की होगी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, लाइक मैटलैब इसी कंपनी का प्रोडक्ट है, और बहुत ही अच्छा इनका CTC होता है, अराउंड 17 to 20 LPA इनका CTC रहता है, तो इसमें जाके फटाफट से अप्लाई कर देना। ऐसे जिनने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मेंशन नहीं कराया, बट अंडर ग्रेजुएट डिग्री या फिर मास्टर या PhD डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड डोमेन में। तो इसके अंदर 2020, 2019, 2021 बैच अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज इनने बीटेक अंडर ग्रेजुएट डिग्री मांगी है, दैट्स इट। रिलेवेंट स्किल्स होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग स्किल्स, बिकॉज बीइंग यू नो रिक्वायरमेंट इज फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। ओप्स के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होनी चाहिए, एसेट एक्सपीरियंस मेंशन नहीं है, तो आप फटाफट जाके इसमें अप्लाई कर देना। 2019, 2020, 2021 बैच फटाफट देखे अप्लाई कर देना। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है, ये है अमेरिकन एक्सप्रेस में, एक और हैकाथॉन टाइप एक इवेंट हो रहा है, मेकाथॉन है बेसिकली इसका नाम। ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही है, और दो जनों की टीम बना सकते हो आप 2022-2023 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। और बाकी इससे फायदा क्या होगा कि इन्हें साफ साफ मेंशन कर रखा है कि हम फुल टाइम अपॉर्चुनिटी और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी देंगे बेस्ड ऑन देयर सेलेक्शन प्रोसेस। जो भी उनकी सेलेक्शन प्रोसेस होगी राउंड 2, राउंड 3, उसके बाद वो टीम सेलेक्ट होंगी, और जो भी फाइनलिस्ट होंगे उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज देंगे। तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, डू अप्लाई फॉर इट। और अब चलते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पे, जो कि है कॉग्निजेंट में, बहुत ही बड़ी कंपनी है, आप लोग भी जानते हैं। 2020 बैच इसमें अलाउड है, बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए और एमएस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो होता है वो इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के। 60% से आपकी एग्रीगेट होनी चाहिए। की जो पोजीशन है वो है आईटी प्रोग्रामर एनालिस्ट की, और 4 LPA का पर एनम का इनका पूरा जो CTC है वो है। ओपनिंग्स होती हैं बहुत ज्यादा कॉग्निटेंट जैसी कंपनी में, तो इफ यू आर इन अ नीड ऑफ जॉब, सो डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो डू अप्लाई फॉर इट। नेक्स्ट कंपनी में चलते हैं, जिसका नाम शायद आपने सुना भी ना होगा, वो है क्यू लॉजिक, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। 2020, 2019, 2021 बैचेस में अलाउड है। 60% से अबव आपकी एग्रीगेट होनी चाहिए एकेडमिक्स में, कॉलेज में। बैचलर्स डिग्री या मास्टर डिग्री आप परस्यू कर रहे हो, मतलब कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए, परस्यू कर रहे होने चाहिए अगर आप 2021 बैच के पार्ट हो तो। और ऑब्वियसली कोडिंग तो आनी चाहिए, सॉफ्टवेयर जॉब है क्योंकि। और ये इन्हें पूरा प्रोसेस दे रखा है, ऑनलाइन टेस्ट, कम्युनिकेशन राउंड, देन टेक्निकल इंटरव्यूज, और फाइनल HR राउंड होगा, तो फटाफट जाके इसमें अप्लाई कर देना। पुणे की लोकेशन है और कंपनी का नाम है क्यू लॉजिक। नाउ लास्ट अपॉर्चुनिटी पे चलते हैं, जो कि है डेटा साइंस इंटर्नशिप। सोनी कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी है, आप लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे इनके
डोमेन से काम करने के, तो डेटा साइंस इंटर्नशिप है। बाकी इन्हें सच एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग कुछ मेंशन नहीं कर रखा है, तो इसके अंदर बैचलर्स डिग्री की रिक्वायरमेंट है या फिर मास्टर या पीएचडी डिग्री की रिक्वायरमेंट है। तो अगर मैं देखूँ तो 2019, 2020, 2021 बैचेस में अप्लाई कर सकता है। रिमोट या फिर मुंबई या फिर बैंगलुरु लोकेशन है। एज सच इनने कुछ सीटीसी के बारे में या फिर स्टाइपेंड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, बट सोनी बहुत बड़ी कंपनी है तो ऑब्वियसली बेस्ट इन इंडस्ट्री ही होगा। मस्ट हैव स्किल्स इज स्टैटिस्टिक्स में आप अच्छे होने चाहिए, पाइथन स्किल्स आप में होनी चाहिए, एमएल बेसिक्स आपको एटलीस्ट आने ही चाहिए और सीक्वल क्वेरी सीक्वल की थ्योरेटिकल नॉलेज होनी ही चाहिए। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज थी यार, आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे ये वीडियोस। अगर पसंद आ रहे तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो और लिख दो यार मोटिवेशन ओपी, ताकि यार मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। और जल्दी मिलते हैं, जल्दी 2000 सब्सक्राइबर्स करा दो, लाइव आएंगे, बहुत सारी चीज डिस्कस करेंगे और मिलते हैं ऐसे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।